हेलो, कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल पढ़े थे यानी पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे आपका लॉगरिथमिक के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। आज भी अभी बेसिक ही पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में भी, क्योंकि अभी भी अभी तो आपका थोड़ा सा पॉलिनोमियल वगैरह के बारे में रह गया है, मॉडुलस के बारे में रह गया है। अभी भी बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद से जब डोमेन स्टार्ट करेंगे ना, वहां से एक्चुअल में 12th का आपका फंक्शन स्टार्ट होगा। तो पहले हमने फंक्शन आज पढ़ेंगे, फंक्शन फंक्शन में थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है आपको बताने का कि कुल कितने फंक्शन हमको पढ़ने हैं यहाँ पे, कितने तरह के, मतलब एक बेसिक आइडिया अगर हम कहें तो कुल मिला के यहाँ पे 5 फंक्शन पढ़ना है। बस यही 5 फंक्शन अपने को याद रखना है। आईलेट, ये कई बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा आईलेट, और खासतौर से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करते हैं तो ये उस केस में आपका आईलेट का यूज होता है। तो आईलेट अपने को आईलेट ही 5 फंक्शन पढ़ने हैं, इसी के बारे में सब कुछ अपने को जानना है। जैसे देखो क्या है कि इसमें भी दो कैटेगरी हमने बांटेंगे कि एक आईलेट वाली में से ए को अलग कर देंगे ए फॉर एलजेब्रा, यानी एलजेब्रिक फंक्शन को अलग कर देंगे कि एलजेब्रिक फंक्शन अलग कर देंगे, और बाकी जो बचेंगे यानी जो लाइट हो जाएगा LIT, जो लाइट हो जाएगा ये लाइट को अलग कर देंगे। लाइट में एल जो एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल पढ़ना है। ठीक है ना, इतने तरह के फंक्शन पढ़ने हैं। इन सबको मिला के नाम होता है ट्रांसडेंटल नाम होता है। इनको मिला के ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है ये नाम। और एलजेब्रिक फंक्शन में अकेला, ये ऐसा लग रहा है कि अकेला पढ़ना है और ये 4 मिला के पढ़ना है तो ये बड़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा होता है। ये देखो, ये फर्दर ये कैटेगराइज हो जाता है, फर्दर इसमें कई सारे पार्ट बन जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो इसमें एक पॉलिनोमियल बन जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपका नाम सुना होगा। ये ऐसा है कि जो क्लास 11th के पहला ही चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो फिर आपका एक नाम होता है रेशनल फंक्शन, फिर एक नाम होता है इरेशनल फंक्शन, आपके सामने मिलेगा इरेशनल फंक्शन, फिर आपको मिलेगा देखने को पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। और जो ये पीस वाइज फंक्शन है ये फर्दर इसके कई सारे पार्ट हो जाएंगे। मतलब पीस वाइज का मतलब क्या हुआ, जो टुकड़ों में बटा हुआ फंक्शन हो। जैसे टुकड़ों में बटा हुआ फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन के अगर मैं नाम लू तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सबसे पहला। दूसरा फंक्शन का अगर मैं नाम लू तो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जिसको शॉर्ट में SGN डिनोट करते हैं। और अगर मैं तीसरे इसमें नाम लूं कि इसमें तीसरा क्या हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आगे इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर आपका और इसमें नाम लो तो FPF यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। और आपका एक और मैं कहूं तो इसमें एक और हो जाएगा आपका डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन में बेसिकली इसमें ग्रेटर देन पे अलग फंक्शन, लेस देन पे अलग फंक्शन, जीरो इक्वल टू पे अलग फंक्शन, या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन पे अलग अलग फंक्शन आता है, तो डिफाइंड फंक्शन। अगर जैसे मान लो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख दूं डिफाइंड फंक्शन का, बाकी सबको सबको करेंगे डिटेल में। डिफाइंड फंक्शन का अगर एग्जाम्पल लग दूं कि सर कैसे डिफाइंड फंक्शन दिखता कैसे है, देखो FX इक्वल टू ऐसे लिखा कहीं पे x-1 जब व्हेन x लेस देन -1, x² + 2 वेन x इन बिटवीन -1 से 1 तक, और ये आपका 3x + 4 वेन x ग्रेटर देन 2। मान लो किसी ने पूछ दिया
इस यही है डिफाइंड फंक्शन। देखो अलग अलग पे अलग अलग है, मतलब माइनस वन पे अलग है, माइनस वन से वन पे अलग फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन टू पे अलग है। अगर हमको लिखना होता ना तो तीन अलग अलग फंक्शन को एक साथ लिखा गया है, पूरे नंबर लाइन पे लिखने का तरीका है। तीन अलग अलग फंक्शन को एक नंबर लाइन पे लिखने का यह तरीका है। इसमें से मान लो किसी ने इसमें पूछ देता आपसे कि फाइंड एफ ऑफ माइनस टू प्लस एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप निकालते कैसे, आपको ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि ये माइनस टू वाला किस एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, ये सब माइनस वन जीरो थ्री माइनस टू सब एक्स की वैल्यू है। तो आप ये देखते कि एक्स की वैल्यू माइनस टू कहाँ पे है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है। तो आपको दिख रहा है कि एक्स लेस देन माइनस वन मतलब माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटा का मतलब सब कुछ आ गया माइनस वन से छोटे में, तो माइनस टू यहां पे आके पुट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टू माइनस वन। देखो यहाँ पे फिर आपका एफ ऑफ माइनस वन, आप देखेंगे माइनस वन कहां पुट होगा, सर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो यहाँ पे नहीं पुट होगा, यहाँ पे लगा है इक्वल टू तो माइनस वन इसमें पुट हो जाएगा, हो जाएगा प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू, एक ये हो गया दूसरे वाले के लिए। फिर आपका एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो देखो तो क्या इनके बीच में लाई करेगा क्या, तो उठा के यहाँ पे रख देंगे एफ ऑफ जीरो यानी जीरो प्लस टू। और आपसे फिर आपका एफ ऑफ थ्री, थ्री आपको देखो इसमें लाई करेगा एक्स ग्रेटर देन टू मतलब दो, सॉरी एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो एक्स टू भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वन से लेकर टू के बीच में डिफाइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन अगर टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है, तो एक से बड़ा वाले के लिए फंक्शन ये है, इसमें यूज करेंगे थ्री रखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री प्लस फोर, आई थिंक यही होगा, देख लो तो थ्री इंटू थ्री प्लस फोर, और सबको सॉल्व कर देंगे, ये माइनस थ्री प्लस टू प्लस टू नाइन और फोर थर्टीन, और ये चार में से तीन जाएगा प्लस वन और थर्टीन फोर्टीन, इसका आंसर आ गया। तो ये होता है डिफाइंड फंक्शन, बात समझ में आ रही है। ये तो हम लोग अभी फंक्शन के कैटेगराइज कर, फंक्शन के प्रकार पढ़ रहे हैं कि कितने तरह के फंक्शन अभी हमको पढ़ना है, मतलब एक एक बार हमने बस नाम देख लिया कि इतने तरह के फंक्शन पढ़ना है। बेसिकली इनको अभी एक एक को थोड़ा 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 आइडिया ले लेते हैं, हर एक फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कैसे। देखो पहला हम फंक्शन यहाँ पे आपको फटाफट में लिख के दिखाने चला जा रहा हूँ कि क्या होते हैं, और इनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जैसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम कहें तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे है, दिखता कैसे है, अगर हम कहें तो कुछ आपका एफ ऑफ एक्स बराबर समझो कि ये ए नॉट है प्लस ए वन एक्स है प्लस ए टू एक्स स्क्वायर है डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन है, अर्थ फॉर्म की तरह काम करता है, कई बार बोल चुका हूं। इसके बाद ये आपका हो गया, इसमें जो n है n should be belong to only whole number, मतलब आपका ना तो n की वैल्यू ना तो negative integer हो सकती है, ना तो rational number हो सकती है, ना तो irrational number हो सकती है, सिर्फ क्या हो सकती है, या तो natural हो सकती है या फिर क्या हो सकती है zero हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है, तो ये आपका polynomial कहलाएगा, it is a polynomial। ए कुछ भी होगा जो ए है ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, तो ये कहलाएगा देन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, तब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब बेसिकली ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी पावर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आते हैं इसके फर्दर अगर आप बात कहें तो दो होते हैं, एक इवन पॉलिनोमियल होता है, इवेंट पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री इवेंट होनी चाहिए, तो सर यहां पे डिग्री क्या नाम है, तो डिग्री सर आपका डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है, तो इवेंट पॉलिनोमियल आपका डिग्री इवेंट होना चाहिए। बी अगर हम कहें तो एक और आता है नाम ऑड पॉलिनोमियल,
ये सब आपके पास, ये सब फंक्शन के बेसिक तैयार हो रहे हैं आपके, मतलब ये सब तैयार रहेंगे ना फंक्शन के समय पे, ये सब वर्ड सुन के अपने को नया नहीं लगेगा कि ये सब चीजें तो हमने किया ही नहीं है, जानते नहीं है। इसलिए जो फंक्शन जब यहां से स्टार्ट होगा उन सब चीजों के लिए ये बस बेसिक तैयार हो रहा है कि आपको एक ही बार में मैंने बेसिक पूरा दे दिया, एक ही बार में पूरा जितना यूज होगा, इनफेक्ट पूरे कैलकुलस के दौरान जो यूज होगा पूरा बेसिक मैं दे रहा हूं। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भाई, तब डिग्री आपका इस केस में ऑड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा, अगर मैं कहूं कि एक आपका फंक्शन है, एक बात और याद रखना कि हम हमेशा y बराबर fx लिखते हैं, मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या होता है कि fx को y की तरह सोचो कि ये y है, क्योंकि y में देखना हमारे लिए इजी होता है चीजों को। जब हम किसी चीज को y में देखते हैं हमको लगता है कि हाँ इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि y बराबर 3x plus something, तो y ऐसा कुछ निकालते, यानी x y की वैल्यू निकालने आता है अपने को, तो हम हमेशा y की तरह सोचते हैं। जैसे y इक्वल टू fx इक्वल टू मान लो कभी लिखा है ax plus b, अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, सोचो ये पहला मैं दिया हूं, इसे ग्राफ बनाना पड़ेगा तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस बी। मैं दूसरा मान लो कि लिख रहा हूं कि y इक्वल टू है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैंने मान लिया कि अगर a पॉजिटिव है तो उस केस में आप सबको पता होगा कि ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, पता नहीं ऐसे एक बार बनेगा एक बार मुड़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं तीसरे नंबर पे लिखता हूं, देखो तीसरे नंबर पे मैं लिखता हूं कि अगर y इज इक्वल टू कुछ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो क्या ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसकी डिग्री एक तो ये जीरो, ये सीधा निकल गया है, मतलब ये टर्म नहीं लिया है, यानी डिग्री एक, ध्यान से देखो जो देखने वाली बात है, जो देखने वाली बात है वो ये है कि डिग्री इक्वल टू वन तो नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू जीरो, यहां पे इस वाले के लिए डिग्री इज इक्वल टू टू, तो टर्न कितने हैं यहां पे, कितने बार टर्न लिया, एक बार टर्न लिया, टर्न एक। यहां पे देखो डिग्री कितना है, यहां पे डिग्री इज इक्वल टू तीन है, तो टर्न कितना लिया, एक दो टर्न लिया, यानी टर्न बराबर हो जाएगा आपका टर्न बराबर दो। यानी अगर मैं आपके सामने ऐसे चौथे नंबर पे एक ग्राफ बना दो तो आपका, अगर मैं पूछूं कि डिग्री कितनी रही होगी, मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री कितनी रही होगी, तो क्या डिग्री मिलेगी, एक दो तीन चार टर्न है, तो हम पहले टर्न काउंट करेंगे, टर्न इक्वल टू फोर, तो डिग्री कितना, एक ज्यादा। बात समझ में आ रही है, टर्न आपका टोटल टर्न आपका है एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, तो इससे डिग्री एक ज्यादा। ये सब चीजें जो है अपने को एक आइडिया देगी, रफ आइडिया देगी, जब हम एओडी में पहुंचेंगे तो हमको वहां पे रफ आइडिया देगा ये कैसे चीजें अपने, कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें कितने डिग्री संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ पॉलिनोमियल के बारे में अपन बता रहे थे। अब मान लो और पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, पहले के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर हम कहें कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू के हो जाए, यानी इधर साइड में के आ जाए, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। के बिलोंग टू कुछ भी हो सकता है, के बिलोंग टू एनी रियल नंबर, आ रही बात समझ में। अच्छा इसमें एक और बात, अगर मैं लिखूं कि जो ऑड पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज हमेशा पूरा रियल नंबर होता है, रेंज मतलब अभी हम लिख दे रहे हैं, कभी की जरूरत पड़ेगी आगे तो यूज करेंगे, यानी रेंज ऑफ, और आगे भी इसको लिखाएंगे पर अपन लोग यही लिख देते हैं कि रेंज ऑफ जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज कैपिटल आर, मतलब पूरा रियल लाइन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज होता है। ठीक है, मतलब जब पूरा इसका ग्राफ जो बनेगा आप देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अगर हाँ अब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब एफ एक्स इक्वल टू के कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तो अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, आगे भी बात करेंगे डोमेन पे, डोमेन पूरा आर। अभी आप कहोगे सर डोमेन नाम लिए नहीं हो, अभी क्यों डोमेन और रेंज बता रहे हो, तो बता दे रहे हैं, बाकी आगे समझ लेंगे कि क्या है। रेंज इसका सिर्फ और सिर्फ के हो जाएगा, रेंज इसका सिर्फ और सिर्फ के हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात थी, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे एग्जाम्पल लेने का मतलब यह हुआ
कि मैंने fx इक्वल टू लिखा कुछ, fx इक्वल टू लिखा आपका x स्क्वायर, नहीं ऐसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर, या ऐसे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन, इसको उल्टा कर दिया, कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x, तो पूछ रहा है फाइंड 2020 क्या होगा, फाइंड f ऑफ 2020 क्या होगा। आ रही बात समझ में? अब अगर ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल कोई होता है तो x की वैल्यू कुछ भी डालो हमेशा वैल्यू क्या देगा, हमेशा k देगा, और रेंज का मतलब होता है कि x की क्या वैल्यू, यहाँ पे fx की क्या वैल्यू आ रही है वही रेंज, वही रेंज कहलाता है। आगे डेफिनेशन कराएंगे, चिंता की बात नहीं अपने को कोई। तो अगर fx की कोई वैल्यू डालो जो आपका आंसर आता है वही रेंज कहलाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और कांस्टेंट का मतलब x की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे जो कि वो आएगा हमेशा k। एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, जब भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री का आए ना ध्यान रखना बच्चों हमेशा उसको सिंप्लीफाई कर लेना, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो कर लेना। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, साइन की स्क्वायर है, मतलब ये पावर एक्सचेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो हमको भी पावर एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो किसी एक को ओपन कर देते हैं। अब सबसे बड़ा टर्म यही है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। आगे फर्दर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जरा देखो तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा फिर फर्दर क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू अब क्या नया बन जाएगा, नया बवाल ये हो गया कि कॉस स्क्वायर तो यही का यही बना रहा प्लस ये आपका स्क्वायर ओपन हो गया 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में हो गया कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 4 कॉस की पावर 4 ऊपर नीचे दोनों जगह से आ गया। अब आगे 1 कॉस की पावर 4 को तो पहले सबसे पहले कर ले, किसके साथ हम कोई बदतमीजी नहीं करना है इसके साथ। दूसरा ये 1 को इसके साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें से ये घटाया तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये ऐसा सेट हुआ है कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है भाई बोलो तो साइन स्क्वायर एक्स, ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कटा आंसर हो गया 1, यानी ये एक्चुअल में ना सवाल था fx इक्वल टू 1। अच्छा सवाल ये नहीं था इतना बड़ा, सवाल क्या था fx इक्वल टू 1 था, वो सिर्फ ऐसे लिखा था, वो लंबे चौड़ी झांकी दिखाया हुआ है अपना कि आप परेशान हो आप इसमें ढूंढे, ऊपर से और भी इसमें मजेदार बात f 2020 पूछ दिया था, तो कुछ भी x की वैल्यू डालो आंसर क्या रहेगा हमेशा 1। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही एक और जरा सवाल एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन के, कि और कैसे आपके सामने दिखेगा सवाल, किस टाइप के सवाल और आपके सामने है इसी में, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एक्स के एग्जांपल हो सकते हैं, पर उसमें से हम एक आध एग्जांपल और दिखाते हैं आपको कि हाँ किस तरह के, जैसे सपोज आपके सामने सवाल दे दिया कि सवाल ये दे दिया कि fx इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 वेयर x बिलोंग टू 2 2 3। अगर ऐसा दे दिया तो आप बताए कि आप उसके बाद पूछ दिया कि f ऑफ 3 2 3 302 पूछ बताओ, या ये बताओ कि चेक fx इज कांस्टेंट फंक्शन आर नॉट, चेक fx इज कांस्टेंट आर नॉट, fx कांस्टेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए दिया, या f आप कुछ और ही पूछ लिया, तो दोनों ही केस में हम दोनों ही केस में क्या करेंगे, पहले तो इसको हम पहले fx को सॉल्व करेंगे,
कह रहा है कि x जो है इसके बारे में ले आके हमको फिक्स कर दिया है कि 2 से 3 के बीच में है। क्लास 11th में थोड़ा याद करो मॉडुलस को ओपन करने का तरीका। मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि बस एक बार के लिए 2 और 3 के बीच में है तो आपको 2 से 3 के बीच में कोई सी भी नंबर उठा के इसमें रख के देखोगे क्या दे रहा है। ये 2 less than x less than 3, तो आप 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रख के देखो, अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव आया तो निगेटिव से खुलेगा, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से खुलेगा। 2 से 3 के बीच में नंबर मैंने लिया ढाई, हाई नंबर लिया मैं 2.5, 2.5 में से एक निकालेंगे, ढाई में से एक निकालेंगे, डेढ़ बचेगा, डेढ़ एक पॉजिटिव नंबर होता है तो ये ऐसे ही खुल जाएगा x-1। सही है। फिर आ जाओ, हम लेंगे 2 से 3 के बीच में एक और नंबर लिया हमने, हमने लिया ढाई ले रखा है तो ढाई पे ढाई से 2 निकालेंगे तो प्लस होगा तो ऐसे ही खुल जाएगा। फिर प्लस, ये जरा देखो हमने ढाई लिया तो ढाई में से 3 निकालेंगे तो माइनस आधा होगा, तो माइनस है इसलिए आपका ये माइनस खुल गया। अच्छा कुछ कटा क्या, x से x कट गया, ये प्लस 3 हो गया, देखो x-3 + 3 ये भी कट गया, आपका आंसर हो गया f(x) = x। एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। सर इसका नाम क्या होता है बताएंगे आगे, आइडेंटिटी फंक्शन इसका नाम होता है, कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे नंबर के पार्ट पे चलते हैं। तीसरे नंबर का पार्ट अगर मैं लिखूं स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन, स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन स्पेशल इसलिए क्योंकि ये एक बार को देखने में कभी नहीं लगते हैं कि ये कांस्टेंट होंगे, एक बार को देखने में कभी नहीं लगते हैं कि कांस्टेंट होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि जैसे मान लो अपने पास है सवाल कि sin² x + sin² x + π/3 प्लस cos x + π/3, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है एंड आपका दे रखा है g(5/4) = 1। देन फाइंड, देखो थोड़ा सा मैंने सवाल बदल दिया, देन फाइंड f(g)(5/4। मैं सब बताऊंगा कि सर ये आपके लिए नया हो रहा होगा कि सर पहले ही आप f(g) सब कुछ लगा दिए, पर ऐसा कठिन नहीं है कि हमने लगा दिया तो आपसे बनेगा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। तो हम बनाएंगे, बिल्कुल समझेंगे भी बनाएंगे भी। तो ये आपका जरा इसके जरा से आपके, जब भी मैंने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कहीं भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने, उसको वहीं पे वैल्यू पुट करने के बजाय उसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले जितना पॉसिबल हो सके उसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे हमने लिखा ये fx आपका दे रखा है sin² x + π/3 प्लस cos x + π/3, ठीक है बहुत बढ़िया। या sin²x का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो ये नहीं देंगे, इसको जरूर हम लिख सकते हैं कि ये sin x cos π/3 + cos x sin π/3 का होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर करेंगे भी जरूरत पड़ने पे, प्लस ये तो cos x है, इसको हम लिख सकते हैं cos x cos π/3 - sin x sin π/3, ठीक है इतना हमने ओपन कर लिया, बहुत बढ़िया। ये हो गया sin²x तो ऐसे ही रहा, बोलो प्लस cos π/3 की वैल्यू 1/2, sin π/3 की वैल्यू 1√3/2, π/3 मतलब 60, तो cos 60 1/2, sin π/3 1/2, √3/2, तो यहाँ दोनों में से 2 बाहर आया, होल स्क्वायर के साथ आएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा प्लस यहाँ पे बचेगा √3 cos x। अब होल स्क्वायर करना थोड़ा आसान हो जाएगा, प्लस ये अभी भी एक लाइन और इसको लाने देते हैं, ये cos x cos π/3 की वैल्यू √1/2 माइनस ये तो आपका sin x है और ये है √3/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
साइन स्क्वायर एक्स ऐसे रन दिया, ये 1/4 ऐसे रन दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया, ये जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर एक्स पहली बात आ गया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स दूसरी बात आ गया, प्लस 2√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तीसरी बात आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आया, फिर माइनस √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आया, आप सबको दिख रहा होगा। अब जरा देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां भी है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां भी है, जरा देखो कट गया है तो कैसे सर, कैसे कटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, बस मिलाना है √3/2, √3/2 ये 1/4 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कटेगा, √3/2 बनेगा कि नहीं, बनते ही ये कट गया, कटने के बाद अपने पास क्या बचा, बचा क्या जाके साइन स्क्वायर एक्स, एक ये है और एक ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये दोनों मिलके जरा देखो तो क्या 5/4 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे आके मिल गए क्या, फिर प्लस देखो ये 3/4 और ये 1/2, 3/4 प्लस 1/2 आप जरा जोड़ो तो इनको क्या 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया क्या, अरे 3/4 1/2 एलसीएम लिया 2 4 आ गया, 3+2 5 हो गया, जरा देखो तो 5/4 कॉमन करते ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उत्तरी, ये तो एक्चुअल में क्या था 5/4 था, यानी जो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है f of x की वैल्यू एक्चुअल में 5/4 है, जरा देखो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं इसको उल्टा पूछता हूँ, नहीं तो अपने से आंसर नहीं आएगा, g of f of x की वैल्यू क्या होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये क्योंकि यहाँ पे नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे देखो अब जरा देखो आपने से पूछा है यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5/4 है और सवाल में दे रखा है जी ऑफ 5/4 की वैल्यू 1, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई 1, अगर ये नहीं दिया जाता तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5/4 हो गई। तो अपने पास स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन के नाम पे एक तो वैल्यू आ गई है, उसको जरा एक बार मैं इस लिस्टिंग कर देता हूँ, ऐसे दूसरे वाले को आप प्रूफ कर देना, 2 होते हैं कुल मिला के, देखते ही आप चाहो, अगर आपको याद है तो आप फटाफट आंसर लगा लोगे, नहीं याद है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या पहला क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5/3 की वैल्यू, अभी हमने देखो ये निकाला, ये आ गया 5/4, अगर यहीं पे दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स इन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5/3, आप इसको प्रूफ करना कितना आ रहा है, ये माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5/3, इसकी वैल्यू होती है 3/4, ये दोनों आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट हम सवाल कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा दोबारा हमको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके हमको निकालना पड़ेगा। तो ये होता है आपका स्पेशल काइंड ऑफ यानी स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन। अब जरा सवाल इसके आगे बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन के बाद अगर थोड़ा सा हम बोले तो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे आता है आपके सामने दिखता है। देखो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बस हम यहां पे बेसिक ही बता रहे हैं आपको, बेसिक से ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए या ए की पावर एक्स टाइप का होता है वही एक्सपोनेंशियल होता है। इसमें बस याद ये रखने वाली बात है कि जो बेस है ना वो बेस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनता है, ए की पावर एक्स का ग्राफ ये जब है जब ए ग्रेटर देन 1 है, और ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनता है
ये तब होता है a की पावर x का, अगर आप जब a आपका लेस देन वन है, क्योंकि हमने कही रखा है कि जीरो से बड़ा रखना है, तो जीरो से बड़ा रखने पे ये आपका ग्राफ बनता है a की पावर x का। बात समझ आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा इसका डोमेन और रेंज के बारे में बोले तो डोमेन क्या हो जाता है इसका, अगर हम इसका डोमेन कहें आपके सामने, तो डोमेन इसका हो जाता है पूरा रियल नंबर पे। डोमेन का एक और मतलब आपको समझाता हूं, एक्स एक्स की क्या वैल्यू होती है वही डोमेन कहलाता है। मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक है वही डोमेन कहलाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने सब फील है, क्या समझना है वो फील है। डोमेन की डेफिनेशन जो है वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन ये सब चीजें फील है कि क्या हमको समझना है, क्या जानना है। तो एक्स एक्सिस पे जो आपकी वैल्यू होती है एक्स की, वो डोमेन कहलाता है, और जो रेंज होता है वो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है। अब जरा देखो, वाई एक्सिस पे ये कभी एक्स को कट भी नहीं किया, नीचे भी नहीं गया, ऊपर ही रहा, तो हमेशा इसका रेंज जो होगा वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। जीरो को टच भी नहीं किया ना कट किया, तो जीरो पे आपकी वैल्यू नहीं होगी। ये एक पावर एक्स, या इसको कहे तो इसी में कई बार आपका e की पावर एक्स ज्यादा फेमस है, लोग e की पावर एक्स ज्यादा यूज करते हैं, पर कोई खास मतलब दोनों सब एक ही तरह दिखता है, e की पावर एक्स हो चाहे e की पावर एक्स हो, ठीक है।